100. Karachi. Lahore. Islamabad. Hyderabad. Rahim Yar Khan. Multan. Abbottabad. Gujarat. JLO. Across Pakistan. This is FM 100. FM 100. 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, JLO. Across Pakistan, this is FM 100. FM 100. The heartbeat of Pakistan. This is FM 100. FM dial. We are Pakistan's number one sound. FM 100. FM 100. Number one on the FM dial. FM 100. 100. 100. Karachi. Lahore. Islamabad. पाकिस्तान है। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को प्रोग्राम में कहते हैं खुश आमदी जनाब। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हेल्दी हार्ट और ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है अल्टरनेट सैटरडेज को किया जाता है विल्सन फार्मास्यूटिकल के साथ और आज इसमें इश्तराक भी शामिल है पाकिस्तान कार्डिक सोसाइटी का। और आज प्रोग्राम में जनाब हम बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से। हाई ब्लड प्रेशर क्या है, क्यों हो जाता है, कितना ज़्यादा खतरनाक है, इससे बचा कैसे जा सकता है और अगर हो जाए आपको तो फिर एहतियात कितनी ज़रूरी है और अगर याद ना की जाए तो फिर क्या नुकसान हो सकते हैं। ये तमाम चीजें आज हम प्रोग्राम में सुनने की समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा इसको इंप्लीमेंट भी कर सकें। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सैयद इश्तियाक रसूल। आप इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, चीफ ऑफ कार्डियोलॉजी इन इन फजाहिया रुत मेडिकल कॉलेज और आप बहुत टेक्निकल चीजें देखते भी हैं और बड़ी बेसिक आज हमारी गुफ्तगू है लेकिन ये बेसिक गुफ्तगू जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये तमाम जो व्यूअर्स हैं और जो लिसनर्स हैं उनको इस प्रोग्राम को सुनकर अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर एहतियात ना की जाए तो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ब्लड प्रेशर एक तो है क्या और इसका फैलाव कितना ज़्यादा है? जी, ये बड़ी कॉमन डिजीज़ है और लोगों में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, ख़ास करके जितनी ये वाइड स्प्रेड है या जितनी ये अवामुन्नास में ये बीमारी है लोगों को इसका शऊर नहीं है और बहुत सारे लोग जो हैं जिनको ब्लड प्रेशर होता भी है मगर उनको इस बात का इदराक नहीं होता, पता नहीं होता कि उनको हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है और वो इसका इलाज करें और एहतियाती तदबीर अख्तियार करें। इसका अब हमें जब बात है आपने पूछी है कि ये कितना कॉमन है तो फिर तो हमें बात हिंसों में करनी होगी। ये कुछ इस तरह से है कि अगर हम जनरल पॉपुलेशन में लें तो यूरोप में तकरीबन जो है अगर हम 35 to 75 ईयर्स के लोगों को लें तो इस पॉपुलेशन को अगर हम कंसीडर करें तो तकरीबन 20-25% लोगों में ब्लड प्रेशर होता है। मगर जैसे जैसे हम बड़ी एज ग्रुप के लोगों को लें यानी अगर हम लें कि 40 एंड अबव तो कुछ इस तरह से है कि वो तमाम लोग जो 45 एंड अबव होते हैं तो 45 साल की उम्र के बाद तकरीबन हर तीसरे आदमी को जो है वो ब्लड प्रेशर हो रहा होता है। आप इसको इस तरह से समझें कि एक कमरे में अगर आपके 100 लोग बैठे हैं और वो सब के सब अगर 45 साल के हैं तो उनमें से 1/3 यानी तकरीबन 33-33 लोग जो हैं वो को ब्लड प्रेशर का मर्ज होगा। वो और बात है कि उनमें से आधों को ना पता हो कि जी मुझे ये मर्ज है। उसके बाद अगर यही एज हम बढ़ा दें
50 तक, तो 50 के बाद 55 के बाद तकरीबन हर दूसरे आदमी को ब्लड प्रेशर होता है. तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि हर वो शख्स जो 50-55 का हो गया है, 50-50 चांसेस हैं कि उसको ब्लड प्रेशर है, यानी हर दूसरे को है. वो और बात है उसको पता नहीं है, और पता इसलिए नहीं है कि उसने कभी उसको चेक नहीं करवाया. क्योंकि ब्लड प्रेशर का बीमारी का पता कि आपका ब्लड प्रेशर है कितना, नॉर्मल है, स्लाइटली बढ़ा हुआ है, या इतना बढ़ा हुआ है कि आपको दवाओं की जरूरत है, वो आपको उसी वक्त पता चलेगी ये बात, जब आप ब्लड प्रेशर अपना चेक करवाएंगे, मेजर करवाएंगे. और ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल फिगर्स जो है उसकी वो 120/80 लेते हैं, इसकी रेंज है, और 110/80 भी नॉर्मल है, 120/80 भी नॉर्मल है, अप टू 140 जो ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक वो कंसिडर किया जाता है नॉर्मल, और 80-90 तक जो है वो भी नॉर्मल है. यानी लोअर साइड पे अप टू 90 और हायर साइड पे अप टू 140 इट्स नॉर्मल ब्लड प्रेशर. मगर ये जरूर मैं कहता चलूं कि वो तमाम लोग जिनका ब्लड प्रेशर 130 से ऊपर ऊपर आना शुरू हो जाता है और 140 के करीब करीब पहुंचना शुरू हो जाता है, उनको ज़रूरी है कि वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना शुरू कर दे. दवाओं की उनको ज़रूरत नहीं है, मगर एहतियाती तदाबीर जिसको हम कहते हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल, और मैं एक्सरसाइज का करना, ये सब बातें फिर हम आगे करेंगे. ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जितने ज़्यादा आप बता रहे हैं कि नंबर्स बढ़ गए हैं, तादाद बढ़ती जा रही है, उम्र बढ़ रही है, उतने ज़्यादा आपके जो चांसेस हैं इसमें मुब्तला होने के, या आपको पता ही नहीं है कि आप ऑलरेडी इसमें मुब्तला हैं, क्या या वक्त के साथ पेशेंट्स में इजाफा हो रहा है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, या फिर साइंस आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रही है, या लोगों को पता चलता जा रहा है कि ये मसला तो हमेशा से था, हमें हमारी नॉलेज में अब आ रहा है? इसमें कई सारी चीज़ें हैं. एक चीज़ तो डेफिनेटली इसमें साइंस का भी है कि हमें ये बात पता चली जब हमने मेजर करना शुरू किया कि जी ये तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम हमारे पास एग्जैक्ट रेशो है भी नहीं, हम अंदाज़ा लगाते हैं, राइट? नहीं, हमारे यहाँ कार्डिक सोसाइटी ने और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अपना अपना डेटा जो है रेस किया है, और हमारा भी जो स्टैटिस्टिक्स है या डेटा है वो तकरीबन जो इंटरनेशनल डेटा है उससे मैच करता है. तो इसलिए हम उसको कोट कर सकते हैं. बेसिकली वी स्टैंड एट द राइट, जिसको उसी लेवल पे जो वेस्ट में है. हाँ, उसमें चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप कह सकते हैं कि इनका रोल हमारे यहाँ ज़रा ज़्यादा है. जैसे हमारे यहाँ लाइफ स्टाइल है या डाइट है. हमारे यहाँ डाइट जो है आपको पता है बहुत ऑयली यूज़ की जाती है. हमारे यहाँ डाइट में कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है. हमारे यहाँ एज कम्पेयर टू वेस्ट जो है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, यानी बैठने वाली ज़िंदगी ज़्यादा चल रही होती है. लोग एक्सरसाइज की तरफ कम मायल होते हैं, चलना कम पसंद करते हैं. आप जवानों में भी देखें कि बाइक का कितना इस्तेमाल है. थोड़ी सी दूर जाएंगे अगर कहीं पर ग्रोसरी लेने तो पैदल कोई 5 मिनट चल के जाना नहीं चाहता. तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ सोसाइटी में इन हो गई हैं. आपने ये पूछा कि वक्त के साथ साथ क्या सोसाइटी में चेंजेस की वजह से भी इसका कोई इम्पैक्ट आया है? डेफिनेटली, जैसे जैसे आपके अर्बनाइजेशन होती है, लोग शहरी लाइफ की तरफ आते हैं, तो शहरी लाइफ का एक अपने इंटेंसिटी होती है, अपनी उसकी एक डायनेमिक्स होती है. एंग्जाइटी, टेंशन, वो जो आपके ज़िंदगी का जो है एक दूसरे से मुकाबला, कॉम्पिटिशन, ये इन सब चीज़ों का, फिर बेआरामी. यहाँ पर जो है आपको पता है कि शहरों में लोग कम सोते हैं, देर से सोते हैं, फिर बाज़ोकात उनको अर्ली उठना पड़ता है काम पे जाने के लिए बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटिव लाइफ. तो ये सब भी जो है बेआरामी, लैक ऑफ स्लीप, और फिर अपनी सेहत की तरफ ध्यान ना देना, एक्सरसाइज ना करना, जंक फूड इस्तेमाल करना, रास्ते में उठा लिया कुछ खा लिया जल्दी से. आप जैसे बेरामी का जिक्र कर रहे हैं, अक्सर लोग अगर नींद पूरी ना हो तो उनको ब्लड प्रेशर का मसला होना शुरू हो जाता है. व्हाट अबाउट दोस पीपल जिनकी शिफ्ट्स ही नाइट की हों? वो अपनी, फिर हाँ, सवाल तो बहुत अच्छा है. वो अपनी नींद दिन के वक्त किसी वक्त पूरी करें. मतलब इसमें फिर दूसरी चीज़ एक ये आ जाएगी कि आप अपनी 8 घंटे की नींद तो एटलीस्ट पूरी करें. ये मतलब नहीं है कि अगर रात की ड्यूटी अगर हो गई है तो उसके बाद जो है आप दिन को भी कम आवर्स स्लीप लें. आप कोशिश करें कि आपकी नींद जो है वो पूरी हो जाए दिन के वक्त. अच्छा ठीक है. हम मगर डेफिनेटली उन लोगों के सेहत पे इस पर इम्पैक्ट होता है जैसे पायलट्स वगैरह होते हैं, उनको लॉन्ग इस पर
पे फ्लाइट्स पे जब जाना होता है या और दूसरी प्रोफेशंस है जिसमें कंटिन्यूस टाइम टू टाइम इस तरह का होता है, मगर सबसे ज़्यादा इफेक्ट वही होते हैं जो बिल्कुल रेगुलर जिनको इस तरह से करना पड़ता है। ये तो मैंने चंद एग्जाम्पल वो दी जिसमें थोड़ा सा रिलीफ उनको बीच में मिलता रहता है। बिल्कुल ठीक है जनाब, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हेल्दी हार्ट विल्सन फार्मास्यूटिकल के साथ, और आज इस प्रोग्राम में इश्तराक हासिल है पाकिस्तान कार्डिक सोसाइटी का भी। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है डॉक्टर सैयद इश्तियाक रसूल, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और चीफ ऑफ कार्डियोलॉजी इन फिजाइया हॉस्पिटल में भी आप अपनी सर्विसेज देते हैं, मेडिकल कॉलेज में अपनी सर्विसेज देते हैं। हम बात करें हाइपरटेंशन के हवाले से। डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहती हूँ, अभी तक हम इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अहम सवाल की जानिब नहीं आए हैं, विच इज़ के वजूहात क्या हैं, रीजंस क्या हैं, क्या वजह है कि कोई शख्स इतने बड़े नंबर्स में जो बीमारी बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो अवेयरनेस की वजह से हो, चाहे वो माहौलियाती आलूदगी की वजह से हो, चाहे इसकी वजूहात जो भी हो, हमें पता अब लग रहा है, लेकिन असल में एक्चुअली आप क्या समझते हैं कि क्या बेसिक वजूहात हैं जिसमें शायद शायद कसूर हमारा भी हो सकता है, शायद कसूर एक्सटर्नल रीजंस भी हो सकते हैं। जी हाँ, इसमें लाइफ स्टाइल का तो बहुत बड़ा रोल है, और लाइफ स्टाइल में यही चीज़ आ जाती है जो अभी बीच में इसका तो तस्करा आता ही रहेगा। मुसलसल डाइट का इम्पॉर्टेंट रोल है कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्या क्वालिटी खा रहे हैं, क्या चीज़ खा रहे हैं, और आपकी डे टू डे रूटीन जो है वो क्या है, आप वॉक कितना करते हैं, आप चलते कितना है, फिर आपकी जो डेली लाइफ है उसमें आपका एंग्जाइटी लेवल क्या है, टेंशन लेवल क्या है, आप नमक का इस्तेमाल कितना करते हैं। अब जब डाइट में आ गई बात प्रॉपर तो फिर बहुत तो बड़ा रोल आ जाएगा कि आप नमक का इस्तेमाल कितना करते हैं। आप और ये आपको पता है कि जो जंक फूड होती है उसके अंदर यूजुअली सॉल्ट का इस्तेमाल या सोडियम का इस्तेमाल, क्योंकि हम दो लफ्ज अक्सर मिक्स करते रहते हैं, एक सॉल्ट है एक सोडियम है, बट वो दोनों का इफेक्ट एक ही है। वो जो है, और ये जितनी भी आपके जंक फूड्स हैं, ये जितने भी बंस होते हैं, इन सबों में सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है। वो तमाम चीज़ें जो सिंथेटिक होती हैं, ये मैक्रोनीज होती है, ये आपके जितनी और चीज़ें हैं स्पेगेटीज हैं, इनके अंदर जो है सोडियम लेवल ज़्यादा होता है, और ये आजकल जवानों में बहुत इन है। जो स्पेशली जो जंक फूड हम ऑर्डर करते हैं, बाहर से खाना खाते हैं, जायके लगे हुए हैं, एक बार खाते हैं बार बार खाने का दिल चाहता है, वजूहात क्या है उसकी, यही है कि उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि आपकी ज़बान को जायके लग जाएँ और आप बार बार बाहर का खाना खाएँ, लेकिन अल्टीमेटली यही आपकी सेहत को नुकसान भी पहुँचा रहा है। डॉक्टर साहब क्या ये, जैसे अभी आप नौजवानों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने ये भी बात की थी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसमें मुब्तला होने के चांसेस बढ़ गए हैं, तो क्या इसका ताल्लुक किसी खास उम्र से है, एक बात, और क्या इसका ताल्लुक किसी खास जेंडर से है? ये उम्र से तो ताल्लुक डेफिनेट है, वो तो मैंने कह दिया आपको, अभी स्टैटिस्टिक्स बताई कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है प्रोपोर्शन जो है लोगों का टुवर्ड्स डिजीज बढ़ता जाता है, कि 45 तक एवरी थर्ड जो है वो ब्लड प्रेशर का मरीज होता है, और 55 के बाद एवरी सेकंड। हमारे पास अब यंगस्टर्स भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। जी हाँ, उसका जो ज्यादा है, मैंने यही कहा कि हमारे यहाँ जो रोल एक बनता है वो ये कि एज कंपनी हमारे अवेयरनेस कम है, और हमारी सोसाइटी में दूसरी चीज है कि कैंपेन इतना एग्रेसिव नहीं है जिस तरह से यूरोपियन सोसाइटी में है, और यही एक वजह है कि जो लाइफ स्टाइल है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। उसके साथ ही स्मोकिंग का, हमारे यहाँ इस वक्त शीशे का इस्तेमाल, सिगरेट्स का इस्तेमाल, गुटके का इस्तेमाल, तंबाकू किसी भी फॉर्म में जो लिया जाए, स्मोकिंग के फॉर्म में या च्यूएबल फॉर्म में, उन सब का जो है असर है, इम्पैक्ट है इस बीमारी के पैदा होने में। फिर अभी हमारी बात हुई कि स्लीप पैटर्न हमारे यहाँ मोबाइल की वजह से, ये जो गैजेट्स आ गए हैं इनकी वजह से राउंड द क्लॉक आपके टीवी चैनल चल रहे होते हैं, इसकी वजह से जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा रोल है। और जहाँ तक आपने जेंडर की बात की तो उसमें यह है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है कम एज में मर्दों को ये ज़्यादा है, यानी 40-45 के एज में, मगर जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, यानी जब रीच करते हैं 55-60 पे, तो फिर यह औरतें भी मर्दों के बराबर आ जाती हैं। सो दैट के विथ इंक्रीजिंग एज जो बीमारी ब्लड प्रेशर की है वो फिर दोनों में बराबर बराबर हो जाती है जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, ख़ास के 55-60 के बाद। ये एट रैंडम आदमी जहन में रखे। इसमें चंद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, वो ये खास के
रूरल एरिया में ये देखा गया है कि औरतों में अवेयरनेस ब्लड प्रेशर के बारे में ज़्यादा है, तो हमें बड़ी हैरत हुई कि ये कैसी बात है, हमारे यहाँ तो रूरल एरियाज में औरतें घर में होती हैं मर्दों के मुकाबले में, उनको कैसे ब्लड प्रेशर का पता ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कि उनको ब्लड प्रेशर हो गया है और इलाज भी वो करवा रही होती हैं। उसकी फिर हमें वजह यही पता लगी कि चूँकि प्रेगनेंसी होती है और प्रेगनेंसी के दौरान उनका ज़्यादा फ्रीक्वेंट विजिट एटलीस्ट वंस अ ईयर हो जाता है या दो साल में एक बार हो जाता है, तो वो मर्दों के मुकाबले में पहले कैच कर ली जाती हैं कि उनको ब्लड प्रेशर है, इसलिए उनको पता पहले चल जाता है। जैसे मैंने अभी बताया, ब्लड प्रेशर का पता ही जब चलेगा जब वो ब्लड प्रेशर कोई मेजर करेगा, तो इस लिहाज से उनका ट्रीटमेंट भी ज़रा पहले शुरू हो जाता था। मगर फिर उसके बाद दूसरा फैक्ट यह आता है कि जब ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो औरतें इसको जल्दी छोड़ देती हैं मगर हमारे यहाँ, और मर्द इसको कैरी करते हैं, शायद इसलिए कि वो ब्रेड अर्नर है, उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है और औरत का ट्रीटमेंट जो है बीच में कहीं पर ड्रॉप हो जाता है। मगर अगर हम वेस्ट में देखें तो वहाँ पर ट्रीटमेंट जो है ज़्यादा कॉमन है कि मर्द छोड़ देते हैं बीच में, रेगुलर नहीं होते हैं। औरतें को जब पता चल जाता है कि उनको बीमारी है तो वो ज़्यादा रेगुलर होती है अपनी ट्रीटमेंट में, और उनका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा बेटर कंट्रोल होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों तरफ आप देखें सोसाइटी इसका एक कंपैरिजन आपको मिलता है। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, वरना हमारे यहाँ जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी काम कर रही है, तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं या जो पेशेंट्स आ रहे हैं या जिस तरह के या जिस एज ग्रुप के पेशेंट्स आ रहे हैं, उससे भी अंदाजा होता है कि किस तरह के लोग मुतासर हो रहे हैं, किस तरह के किस उम्र के लोग हैं जो अपनी सेहत के बारे में वाकई कॉन्शियस भी हैं और वो एक दफ़ा विजिट करके चले जाते हैं और उसके बाद दवाइयाँ ले लेते हैं और वो सारी ज़िंदगी वही इस्तेमाल करते हैं या फिर रेगुलर विजिट करते हैं। ये सब डॉक्टर जो हैं उनके इल्म में होता है कि कितना पेशेंट अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस है। हम आपको बैठकर ये अवेयरनेस प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बहुत सारे सिम्टम्स शायद लगे कि हाँ शायद ये वाले मसाइल तो मेरे साथ भी हैं, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और आप बस ये सोच कर रह जाएं और उसके बाद अपनी मसरूफियत की नज़र कर दें इस ख्याल को और फिर ना जाएं। तो अगर आप कॉन्शियस नहीं हैं, अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और दूसरा आकर आपका ख्याल नहीं रखेगा। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर सैयद इश्तियाक रसूल, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, चीफ ऑफ कार्डियोलॉजी इन फिजाइया रुतफा मेडिकल कॉलेज में आप अपनी सर्विसेज भी देते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि इसके सिम्टम्स तो है नहीं, साइलेंट किलर तो ये है, तो फिर क्या ऐसे अलामत होंगी जिसके बाद कोई बहुत ही लापरवाह इंसान अपनी सेहत के हवाले से हो और फिर उसके साथ कुछ ऐसा हो कि वो डॉक्टर के पास जाए तो उसको पता चले, जैसे कहा ना कि खवातीन जाती हैं अपने प्रेगनेंसी के मसाइल में डॉक्टर के पास तो पता चलता है, ऐसा क्या होगा किसी के पास कि उसको अगर वो रेगुलर चेकअप नहीं करवा रहा तो उसको पता चलेगा कि हेलो आप इस मर्ज में मुब्तला हैं। इसके लिए सबसे सिंपल चीज़ तो यही है कि अगर आम कॉमन कोल्ड तो लोगों को होता ही है, जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाता ही है। हमारे यहाँ कॉमन ट्रेंड यही है कि वहाँ पर आप बहुत सारे लोग गए होंगे, उनको तजुर्बा है कि वहाँ पर ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं होता। तो एटलीस्ट जब कभी भी किसी डॉक्टर के पास मरीज आए तो उसका ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें, ये एक हो गया। दूसरा ये कि इन तमाम जगहों पे जहाँ लोगों का फ्रीक्वेंट विजिट्स है, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो बीपी अपरेटस लगाए, जैसे बड़े बड़े या ख़ुद वो इदारे इंस्टीट्यूशंस लगाएं, जैसे बिग मॉल्स हैं, मेरे ख्याल से उनको ख़ुद ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। उनके लिए कोई इतना बड़ा एक्सपेंडिचर नहीं है कि वो अपने मॉल में जो है दो तीन जगहों पर बीपी मेजरिंग का जो है इक्विपमेंट वो लगा दें, और दुनिया भर में ये है। हमारी कोशिश है पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी की तरफ से, और हमने गवर्नमेंट को लिखा भी है कि इन सब जगहों पर जैसे मॉल्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, इंटरसिटी बस स्टैंड्स हैं, और भी बहुत सारी जगह हैं, या आपके जहाँ पर आप दवाएं लेने जाती हैं केमिस्ट की शॉप्स हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल्स में एट द एंट्रेंस ऑफ द हॉस्पिटल, वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ पर जगह जगह जहाँ पर आप जगह मिले ऐसी के रखी जा सके इक्विपमेंट को, वहाँ पर रखें ताकि लोग कोई हेजिटेशन फील ना करें। उनको ये नहीं है कि मुझे किसी ने देखना है, अब तो ये ऑटोमेटिक हो गया, आप हाथ रखें उसके अंदर और आपका ब्लड प्रेशर मशीन बता देगी, और उसको फ्री ऑफ चार्ज होना चाहिए ताकि हर आदमी जाते हुए वहाँ पर एक जस्ट इसको एक खेल समझते हुए उसको अवेयरनेस मिलती रहेगी। तो इसका ताल्लुक सिर्फ मेजरमेंट से है, जितना ज़्यादा हम माहौल ऐसा क्रिएट करेंगे या पॉसिबिलिटी या अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे कि आते जाते गुजरते हुए कहीं पर भी आदमी का ब्लड प्रेशर चेक हो जाए, और दूसरा उसके बार बार जहन में ये डालना कि जी ये मर्ज है और इस मर्ज का पता आप
जितना अर्ली चला लें इतना अच्छा है, उसको जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी कि इसका एज से ताल्लुक है, डेफिनेट है एज से ताल्लुक, इस सर्टेन एज पे पहुंचने के बाद आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए और उसके लिए जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उसको और फ्री ऑफ कॉस्ट इतने ज्यादा चांस। डॉक्टर साहब, आप जितना इनकरेज कर रहे हैं ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने को और मेजर करने को, घर पे भी किया जा सकता है इसका मतलब है, और कोई भी पैरेटिस होगा, इसका इंस्ट्रूमेंट होगा मेजर करने का आला होगा, उसको घर पे रखा जा सकता है? जी हाँ बिल्कुल, अब तो बहुत अवेलेबल है डिजिटल इक्विपमेंट्स जो है ब्लड प्रेशर के मेजरमेंट के लिए, ये तो गैजेट सब हर जगह अवेलेबल, अब तो मोबाइल तक में भी आ गया है, मगर खैर हम उसकी बात नहीं करेंगे, मगर फिलहाल जो कन्वेंशनल इजी टू यूज है, क्योंकि हमेशा उस चीज की बात करनी चाहिए जो इजी टू हैंडल है एंड इजी टू यूज है और ज्यादा वेयर एंड टियर उसमें ना हो, यूजर तो जी यूजर फ्रेंडली होना चाहिए और कॉस्ट भी उसकी कम होनी चाहिए, तभी वो यूज में होगी और लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा मेजर की ही बात हो रही है तो क्या तरीकेकार है मेजर करने का, वो लोग भी जो घर पर कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्टर के पास गई हूँ तो ऑलरेडी मेरा माहौल हॉस्पिटल का देखकर थोड़ा सा घबराहट हो ही गई है, मैंने 2-4 केसेस शायद गुजरते हुए देख लिए इस तरह के या किसी की बात सुन ली है, तो मैं कॉन्शियस हो गई हूँ जाके मैं ब्लड प्रेशर चेक करवा लूँ। और अगर जो लोग घर पर कर रहे हैं वो भी मैं सीढ़ियाँ चढ़कर आई हूँ तीसरे माले पर और मैं थकी हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर जो है ना, लाइए भाई अपैरेटस मैं चेक कर लेती हूँ। आप तो आधी डॉक्टर खुद ही हैं, आपने सही पॉइंट रेज किया, डेफिनेटली इस तरह से तो ब्लड प्रेशर नहीं चेक होना चाहिए, उसका एक सर्टेन जो है प्री कंडीशन है कि ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए ज़रूरी है कि जिसका भी चेक करना है उसको पहले आप कुर्सी पे बिठा दें, कम से कम 10 मिनट बैठ ले, अपने जिसको कहते हैं सुकून की हालत में आ जाए, जैसे एकदम से बाहर आ रहा है सांस उसका बहाल आ जाए, बहाल हो जाए, धड़कन उसकी बहाल हो जाए, जो भी वो कहीं से चल के आया है, फिर अगर उसके कोई डेफिनेटली आते हुए में या सामने किसी पेशेंट को देखे या हॉस्पिटल के माहौल से उस कॉरिडोर को देख के एक एक्साइटमेंट जो होती है वो एक्साइटमेंट लेवल जो है उसका ईज डाउन हो जाए तो उसके बाद फिर ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। और ये भी चंद चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी देखा गया है फर्क के ब्लड प्रेशर अगर बाहर नर्स चेक करे और ब्लड प्रेशर खुद डॉक्टर चेक करे तो खुद इसमें भी जो है डिफरेंस आ जाता है, इसीलिए बेहतर यही समझा जाता है कि बाहर जब वो बैठ जाए सुकून से और एट पीस हो, एट रेस्ट हो, तो फिर नर्स उसका ब्लड प्रेशर चेक करे, और अगर उसको फील हो रहा है कि बंदा एंग्शियस है तो उसको 5-7 मिनट के बाद फिर दोबारा चेक कर ले, क्योंकि डॉक्टर के रूम के रूम में जाने के बाद फिर अगेन एक सर्टेन लेवल वो डॉक्टर का माहौल जो है क्रिएट होता है और वो फिर उसका ब्लड प्रेशर जो है ज्यादा नहीं हो सकता है 4-5-7 जो है मिलीमीटर ऑफ मरकरी फिर बढ़ावा मिले। तो इसमें एक बहुत जरूरी चीज यही है कि बाज लोगों का ब्लड प्रेशर भी उसी सेटिंग में 2 या 3 बार लेना पड़ता है थोड़े वक्फे के साथ, और यहाँ पर यह बात मैं ये भी कहता चलूं कि ब्लड प्रेशर किसी को डायग्नोस करने के लिए सिर्फ एक रीडिंग काफी नहीं है कि वो गया उसने ब्लड प्रेशर चेक कराया और बस उसने कहा जी मुझे तो ब्लड प्रेशर है, उसके लिए जरूरी है कि क्योंकि वो वक्ती भी हो सकता है उस वक्त कि ब्लड प्रेशर का इलाज यानी उसको डायग्नोस और फिर ये कहना कि जी इलाज इसके लिए जरूरी है और आप दवाएं इस्तेमाल करें, जरूरी है कि 3 मुख्तलिफ सेटिंग में और बिल्कुल वही सुकून आराम के साथ आपका ब्लड प्रेशर चेक हुआ वो और वो 140-90 से ऊपर आ रहा हो, और उसके बाद भी अगर स्लाइटली बढ़ा हुआ है आपके 140 जस्ट मार्जिन पे है 150 तक, तो उसमें भी आप दवाएं ना शुरू करें, आप थोड़े अरसे का 2-3 महीने का पेशेंट को ट्रायल दें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का, डाइट का, एक्सरसाइज का, ये सब कुछ बताएं, और अगर रियली समझदार आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है और वो चाहता है कि अब क्योंकि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे ब्लड प्रेशर कम होता है, नंबर 1 नमक कम करना, राइट, अगर आप नमक कम कर दें डेफिनेटली बीपी थोड़ा नीचे, नंबर 2 एक्सरसाइज वॉक करने से बीपी नीचे आता है, और नंबर 3 वजन कम करने से, ठीक है, खास के आदमी अपना पेट कम करे जो फैट उस पर जमा हुआ होता है, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे ब्लड प्रेशर नीचे आता है, किसी का अगर बॉर्डरलाइन ब्लड प्रेशर है ये 3 चीज करे, बीपी अगर उसका 140 और 90 के नीचे आ जाता है, जस्ट इसी के साथ जो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, डाइट है, एक्सरसाइज है, जो मैंने कहा कि नींद आराम का ख्याल रखे, एंग्जाइटी जहाँ पर होती है उन जगहों पे नहीं जाए, उन लोगों से ना मिले, उन्हीं चेहरों को देखे, उन्हीं से मिले जिनसे उसको अच्छा फील होता है, तो फिर डेफिनेटली इसमें क्या है उसको ब्लड प्रेशर होगा बाद में, साल के बाद, 2 साल के बाद, मगर जिसको कहते हैं उसका ट्रीटमेंट जो है वो डेफर हो जाएगा, आज के दिन नहीं शुरू होगा ट्रीटमेंट, मतलब दवाओं से ट्रीटमेंट, वो थोड़े बाद उसको डिले किया जा सकता है, तो ये बहुत
इम्पोर्टेंट है कि पहला जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग आई है उस पर एकदम जंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाज़ोकत एंग्जाइटी स्टेट्स में आदमी की किसी वक्त किसी वजह से, किसी माहौल की वजह से, किसी बात की वजह से वक्ती तौर पर बीपी की रीडिंग बढ़ जा सकती है। ये जो आपने बात कही है ना कि वक्ती तौर पर अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो इसको मैं लिंक करना चाहूंगी दूसरी चीज से जो आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि उन लोगों में बैठे उन चेहरों को देखे जिनको देखकर वो खुश होता है, मुतमईन रहता है, ज़हनी सुकून रहता है, लेकिन अगर आसपास ऐसे लोग हों डॉक्टर साहब जो कि उसको ना पसंदीदा और उन्हीं में वो रहता हो, तो फॉर एग्जांपल वर्क प्लेस हो गई, मैं रिश्तेदारों की बात नहीं कर रही, नहीं नहीं अच्छा इसमें मैं बात कर रही हूँ मिजाज की। अगर ये फॉर एग्जाम्पल वक्ती तौर पर नहीं है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मिजाज बहुत ज्यादा अग्रेशन वाला है, हर चीज को वो बहुत लाउड आकर ट्रीट करते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा अपने अंदर रखने वाले हैं, दो एक्सट्रीम ऑपोजिट साइड्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तो वो शख्स जो कि बिल्कुल अपने अंदर हर बात समो लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, नहीं एक्सप्रेस करता, अंदर ही अंदर वो घुल रहा है, खोखला हो रहा है, और दूसरा जो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करता है उसके भी एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा लाउड है, बहुत गुस्सा करता है, कौन ज्यादा रिस्क पर है? ज्यादा रिस्क पे तो वही है जो टाइप ए पर्सनालिटी है, जो बहुत शाउट करने वाले हैं, बहुत तेज हैं, हर चीज में जल्दी करनी है उनको, और जिसको कहते हैं रैपिड फायर वाले हैं उनको ही ज्यादा है। मगर एक एक फैक्ट डेफिनेटली है कि ये देखा गया है कि वो तमाम लोग, क्योंकि ये सब दूसरी तरफ जो आप ले आई हैं बिल्कुल कंट्रास्ट में, वो लोग जो हमेशा डाउन रहते हैं या सदमे की कैफियत में रहते हैं या जिनको कहते हैं मेलनकोलिक होते हैं, या किसी को जॉब चली गई है या जिंदगी में जो उनको हाँ मुख्तलिफ यानी उनको बैड इवेंट्स हुए, मसाइल हैं, यानी जॉब चली गई है या जॉब नहीं मिल रही है या सैलरी कम है और घरेलू मसले अपने या पर्सनल वो ज्यादा हैं, ये देखा गया है कि उनको दिल की बीमारियां ज्यादा होती हैं, तो और इसीलिए ये एक दुनिया के मुल्कों में इस पर भी बल्कि स्टडी हुई है कि, और ये बहरहाल इसमें सर्टेन लेवल ऑफ सच्चाई भी है कि जिंदगी की ये सब चीजें जो इंसान के लिए मसायब जो हैं इस किस्म के, ये भी सबब बनती हैं बीमारियों का। बिल्कुल ठीक है जनाब, तो आपका जो मिजाज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को डील किस तरह से करते हैं। ये बात मैंने इसलिए पूछा डॉक्टर साहब, बड़ा रेलिवेंट हो गया है ये अब इस बारे में बात करना भी, क्योंकि मेंटल हेल्थ पे हम बहुत ज्यादा बात करना शुरू हो गए हैं और ये बहुत ज्यादा मैटर करती है, हमको नहीं लगता कि ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब तक हम किसी को कोई खतरनाक स्टेप उठाते हुए ना देख लें। अब वापस कोई केस आता है, हम कहते हैं ये तो शख्स मुस्कुरा रहा था, लेकिन आपको अंदर नहीं पता उसके कि क्या जंग चल रही है। तो आप एक तो अपना ख्याल रखें और दूसरा आपको लगे मसला कि आपके साथ चल रहा है तो आप किसी से डिस्कस करें, और आसपास अगर आपको कोई शख्स मुब्तला नजर आता है तो उसके साथ सिर्फ सिंपैथी नहीं बल्कि एम्पैथी बढ़ के उसके लिए अगर आप कर सकते हैं कोई अच्छी बात, क्योंकि हमारी सोसाइटी डॉक्टर साहब हम थोड़े से डिफरेंट साइड पर आ गए हैं डिस्कशन के, हमारी सोसाइटी थोड़ी सी रिएक्टिव हो गई है और हम हर चीज को बहुत नेगेटिव लेते हैं, हर चीज पर कॉमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो जारा नईम बच्ची है जिसने एग्जाम एसएससीए में मार्क्स लिए और दूसरी तरफ पौड़ी हो रही है जो लड़की है उसमें कंपैरिजन शुरू कर दिया, अब दिस कॉट अटैक द गर्ल जो पाड़ी हो रही है, वो तो खैर अभी फूलों में खेल रही है, उसको सारी खुशियां मिल रही हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसका जहन मुतासर हो कि उसके बारे में क्या क्या लिखा जा रहा है, कमेंट किए जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने अगर इज्जत देनी है किसी को तो आपको जालिस नहीं होना चाहिए उससे, आपको भी मेहनत करनी चाहिए, हो सकता है आपका भी दुरुस्त वक्त आने वाला हो। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से आपकी, और फिर हम अब चूंकि प्रोग्राम के कंक्लूजन की जानिब जा रहे हैं, तो अगर हम बाकायदा इन्ग्रीडियंट्स की बात करें जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए अगर आप मुब्तला हो गए, और दूसरा ये कि अगर आप बचना चाहते हैं इस बीमारी से तो क्या वो चीज़ें होंगी डॉक्टर साहब, पॉइंट वन, पॉइंट 2.3 जिनको मद्देनजर रखना चाहिए? सबसे पहले तो डाइट में ये चार चीज़ें जो गोल्डन रूल है जिनको कहते हैं वाइट पॉइजन, कितना सही है ये लफ्ज़ या गलत बड़ा मुश्किल है कहना, एग्जैक्ट तो पॉइजन नहीं है मगर इन रिलेटिव टर्म में आपको कब यूज़ करना चाहिए, नमक, सॉल्ट, शुगर, ये भी सफ़ेद है, घी, चिकनाई और आटा, क्योंकि शुगर से डायबिटीज़ और फिर मोटापा भी, सॉल्ट से हाई ब्लड प्रेशर, आपके घी चिकनाई से
कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट डिजीजेस, और जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ये नान खाते हैं इसकी वजह से, जिनको अगर डायबिटीज नहीं है तो ज्यादा है, तीन तीन चार चार नान खाली कार्बोहाइड्रेट खाना, तो ज्यादा प्रोटीन खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम यूज करना चाहिए, एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए और नींद आराम का जरूर ख्याल रखना चाहिए अपने आजकल के दौर में, खास कर कोरोना के दौर में बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल बात होती है इम्यूनिटी की भी कि आपके अंदर जो है रेजिस्टेंस कितना है कि आप बीमारी से मुकाबला कर सकें, उसके लिए ये नींद आराम खाना और सेहत का ख्याल रखना, हेल्दी लाइफ स्टाइल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो इम्यूनिटी आपकी डेफिनेटली डाउन होगी। इसके साथ विटामिंस का ख्याल रखें, अगर आप शहर में रहते हैं तो यहाँ पर जब तक सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, वो इतना टाइम उनके अंदर गुजर चुका होता है कि उनके अंदर से जो यूजफुल विटामिंस हैं वो खत्म हो चुके होते हैं, तो आप विटामिंस जो है स्पेशली आफ्टर ये 30 के बाद वगैरह आदमी डेफिनेटली जो है कोई विटामिंस वगैरह जरूर इस्तेमाल करें। विटामिन डी का रोल आजकल बहुत ज्यादा है, विटामिन सी का आजकल रोल बहुत ज्यादा है इन कॉन्टेक्स्ट टू इम्यूनिटी, तो ये है। ठीक है, और एक्सरसाइज का कतई मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बॉडी को, आम जुबान में कहूँ तो, फुलाना शुरू कर दें। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि अपनी बॉडी को आप कंट्रोल रखें, जो आपका बॉडी मास इंडेक्स है उसको आप मॉनिटर करें, क्योंकि अक्सर लोगों की जो बॉडी होती है वो डिफरेंटली बढ़ी होती है। किसी का पेट बढ़ रहा है, जिसका आपने डॉक्टर साहब जिक्र भी किया था, ऑफिस में काम करते हैं, कुछ लोगों के पैर सूज रहे हैं, तो ये भी एक अलामत हो सकती है अगर आपको लग रही हैं चीज़ें कि आपकी सेहत मुतासर हो रही है। कुछ लोगों के सिर्फ हिप बढ़ रहे होते हैं, या कुछ लोगों के सिर्फ मसल्स या फिर शोल्डर्स में दर्द हो रहा होता है, तो किस लोगों की सिर्फ नेक में दर्द हो रहा होता है। अगर मुस्तकिल कोई भी चीज रह रही है जो आपको परेशान करना शुरू हो गई है, या आपका काम जिसकी वजह से मुतासिर होना शुरू हो गया है, तो वो आपके लिए एक अलार्मिंग साइन है और मैसेज है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि जॉब तो वही रहनी है, लेकिन आपने फिर कुछ ना कुछ उसको इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा, अपने रूटीन में ऐड करना पड़ेगा, जो कि डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे। इस चीज का ख्याल रखें। और डॉक्टर साहब आखिरी क्वेश्चन, कि जो लोग सब कुछ पता होने के बावजूद प्रोग्राम सुन रहे हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक तो कह रही हैं आप, लेकिन हम क्या करें, मजबूर हैं, हम नहीं इलाज करवाना चाहते, उनके लिए क्या आप कहते हैं कि अगर इलाज ना करवाएं तो कितना खतरनाक और कितना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है? इस बात का भी मैं बताऊंगा, मगर ये आपने वर्क प्लेस की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही, मगर कि एक प्रोग्राम में आप कितनी चीज़ों को रियली उसमें इन्वॉल्व करें कि आदमी अपना घर के बाद, घर से बल्कि ज़्यादा टाइम जो है अपने वर्क प्लेस पे गुजारता है, क्योंकि आप 7 घंटे तो सो लेते हैं, काम पे आप गुजारते हैं कम अज़ कम 8-9 घंटे, ठीक है, या कहीं और पे भी बीच में आदमी को जाना पड़ता है, तो हेल्दी इन्वायरमेंट आपके वर्क प्लेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन टर्म्स ऑफ आसपास का माहौल, जो कोलीग किस तरफ से है कि वहाँ से कोई हरासमेंट ना हो जिसकी आपने बात की, और वहाँ पर भी जो है खाना पीना, जो स्मोकिंग का कल्चर है, इसका कोल्ड ड्रिंक का कल्चर है, ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये कि किस तरह से बैठते हैं, जैसे अगर जैसे मीडिया वाले हैं वो काफ़ी देर जो है कंप्यूटर पे अपने स्क्रीन के आगे होते हैं, तो उनकी नेक में और शोल्डर में तो पेन होना ही है, क्योंकि उन्हें खांसेंगे तो अपने स्क्रीन के, आपके पास प्रोटेक्टर नहीं लगा हुआ, प्रोटेक्टर लगाएं और ताकि अपनी आंखों को बचाएं। अब चलते हैं इस पे ब्लड प्रेशर से क्या क्या हो सकता है। ब्लड प्रेशर क्यों साइलेंट किलर कहा जाता है? नंबर वन कि ये किडनी फेलियर करता है अगर लॉन्ग स्टैंडिंग रहे और ट्रीटमेंट नहीं कराएं आप। नंबर दो स्ट्रोक, ठीक है, हार्ट अटैक्स, ठीक है, फिर बिनाई का चला जाना, तो कितने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो खराब हो सकते हैं इनके जरिए, और आदमी अपाहज हो जाता है पूरी जिंदगी के लिए, स्ट्रोक हो जाए, एक हाथ पांव, बिल्कुल ठीक है, तमाम मोहल्ले कमराज जो आप सोच सकते हैं, जो आपके जहन में आ रहे होंगे, वो सब आपको आ घेर सकते हैं अगर आप अपना ख्याल नहीं करेंगे। काइंडली अपनी सेहत को मॉनिटर कीजिए। प्रोग्राम में आप सुन रहे थे हेल्दी हार्ट विल्सन्स फार्मास्यूटिकल के साथ, और ये प्रोग्राम विल्सन्स फार्मास्यूटिकल के साथ साथ पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी की जानिब से भी पेश किया जा रहा था। साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर सैयद इश्तियाक रसूल, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट, आप चीफ ऑफ कार्डियोलॉजी इन फिजाइया रुतफा मेडिकल कॉलेजेस में अपनी सर्विसेज देते हैं। डॉक्टर साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इनवाइट किया आपने, और ये मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी और विल्सन की तरफ से एवरी वीक इंशाल्लाह हम किसी न किसी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देंगे और बात करेंगे, और मेरा काफ़ी इसमें एक्सपीरियंस वाइड है, और मैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, और इससे पहले मैं एज अ प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज में सर्व कर चुका हूँ। तो मेरी ख्वाहिश है कि आवाम में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, और इसके लिए मेरी अपनी ज़ाती को
کوشش پوری ہوگی اور ہے کہ جو کچھ کر سکتا ہوں کروں اور میری خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ جتنی آڈینس ہماری سن رہی ہے دیکھ رہی ہے وہ پرو ایکٹیولی تمام جو احتیاط آپ کو بتائی جا رہی ہیں ان پر عمل پیرا بھی ہوں پروگرام کا وقت ہو گیا ختم اپنا رکھے گا بہت زیادہ خیال ٹیک کیئر ٹاٹا بائے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد FM 100.